तो दोस्तों आज हम घूमने वाले हैं गुड़गांव में स्थित शीतला माता मंदिर, जो कि गुड़गांव के बस स्टैंड से मात्र 10 मिनट की दूरी यानी 3 किलोमीटर दूर है। तो सुना गया है यहाँ पे लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं माता के। चलिए फिर हम भी चलते हैं आज और दिखाते हैं आपको क्या कितनी भीड़ होती है। तो अगर आपको दोस्तों प्रसाद वगैरह लेना हो तो आपको बाहर ही मिलेगा, क्योंकि अंदर प्रसाद नहीं मिलता, बाहर से आपको खरीद के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे लोगों के द्वारा मैंने सुना है ऐसा कि यहाँ पे हर साल 50 लाख से भी लोग ज़्यादा दर्शन करने के लिए आते हैं। साल में 2 बार यहाँ मेला लगता है, नवरात्रि पे भी मेला बहुत तेज़ वाला लगता है। मैं एक दिन बात करता हूँ। तो अगर आपको दोस्तों पार्किंग जोन के लिए एरिया देखना है तो मंदिर के जस्ट अपोजिट ही पार्किंग जोन बनाया गया है, तो वो बिल्कुल फ्री है। बस एक कंडीशन है कि प्रसाद आपको वहीं से लेना है। बाकी जो आपको रेड ब्रिज दिख रहा है वो डायरेक्टली मंदिर से और पार्किंग जोन से कनेक्टेड है। तो देखते हैं आगे चलते हैं। अगर भीड़ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। नवरात्रि के एक दिन बाद भी आज दशहरा है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मंदिर अभी काफ़ी आगे है, आप खुद देख सकते हैं काफ़ी आगे है मंदिर। हम बहुत पीछे हैं अभी लाइन में और वहीं से लाइन लगी हुई है हमारी, जा रहे हैं बस दर्शन करने। चलिए अब भी ये एंट्री गेट है माता रानी के मंदिर का। तो मैंने ऐसा यहाँ पर सुना हुआ है और लोग कहते भी हैं कि ये मंदिर इसी चीज़ के लिए फेमस है कि यहाँ पे लोग श्रद्धालु दूर दूर से इसलिए आते हैं, कोई भी अगर उनको चर्म रोग होता है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो माता रानी के दर्शन करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वो समस्याएँ ख़त्म हो जाती हैं। तो लोग अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज़ को लेके यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उनकी सारी मनोकामनाएँ यहाँ आके पूरी हो जाती हैं। तो चलिए करते हैं दर्शन। बाकी भीड़ बहुत है, आप देख सकते हैं इतनी देर से हम लाइन में लगे हुए हैं और भीड़ तो काफ़ी है। बाकी आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे, भाई इतनी गर्मी में और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो कहा पहले सुना गया है ये मंदिर 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। तो आप दर्शन कीजिए माता रानी के, मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पास नहीं जाने देते और दूर से ही दर्शन करने देते हैं, पुलिस वगैरह लगी रहती है यहाँ पे। और ये आपको जो रेड चुनरीज दिख रही हैं वो जो मनसा होती है, मनोकामनाएं होती हैं, उनको पूरी करने के लिए श्रद्धालु भक्त होते हैं वो बांध के जाते हैं, और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो खोल देते हैं आके। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा मतलब एक शांति सी मिलती है मुझे तो, इवन बहुत मज़े आए। तो दर्शन तो हमने कर लिए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आराम से हो गए। तो आपको भी एक बार ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है, लोग मंदिर के बाहर आके ईंटों का अपना घर बनाते हैं, जो भी उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी। इसलिए बाकी का अगर आपको आना है तो गुड़गांव बस स्टैंड से आराम से आ सकते हैं, बहुत पास में। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं आप देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।